मैं चाहना कि जड़ियाँ दो चार गल्लां है ने उन्हें जिस अंदाज नाल मजहब ने अहले बैत नूं हिट कीता है इस वेले वैसे तकाजा तो नहीं हालात का कि बंदा सवालों के जवाब देवे या मुनाजरा करे। पंजाब गौरमेंट का भी इस वेले ज़ाबता इखलाक मौजूद है कि किसी के मजहब को छेड़ो मत, अपने मजहब को छोड़ो मत, यानी यह ज़ाबता इखलाक जारी हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी गल है कि इस वेले जिस नाजुक दौर चो पाकिस्तान गुजर रहा है कि अपने मजहब को छोड़ो मत और किसी के मजहब को छेड़ो मत। इस ज़ाबता इखलाक पाकिस्तान ने या गवर्नमेंट ने हुण बनाया है। वैसे इस दरबार की पुरानी रवायत है कि किसी को छेड़ो मत और अपने मजहब को छोड़ो मत। इतने कज़ादारी का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ ना आकबतन देश बंदे जरूर अपनी वैल्यू बनाने वास्ते कोई ना कोई ऐसा करना करते हैं, अपनी वैल्यू वास्ते, वरना जरूरत नहीं। मैं भी जरूरत महसूस न करता, मैं आन द रिकॉर्ड गल कर रहा, मैं उस मौलवी नूं किसी सवाल का जवाब देने वास्ते तैयार नहीं। मैं अपने उन्होंने नौजवानों नूं जरूर मुतमिन करांगा जिन्होंने अपने मजहब के खिलाफ यह सारिया गल्लां सुनिया ने, वो मैं अपने नौजवानों वास्ते जो मारूजात पेश कर लगा थोड़े वक्त कर दें। फिर अस कर रहे हैं अपने वास्ते कर रहे हैं, मौलवी के सवालों का जवाब मैं देना मुनासिब ही नहीं समझता, इस वास्ते कि हमेशा इलम का जवाब इलम नाल दिता जाता है, जहालत का जवाब बंदा किहड़ा दे। लेकिन जिहड़ी तकलीफ नौजवानों को हुई है, नौजवानों अपना नाम भी लिखे, मैंने आगा जी ने हुक्म किया कि इत्थे वो बयान कर देना, लिहाजा मैं अपनी बात अफवाई कर रहा। सब तो पहला उन्हें मैं बड़े अच्छे तरीके चाहना मुनाजराना अंदाज नाल नहीं चाहता, वरना मुनाजराना अंदाज करा तो इन सवालों के जवाब ही तुहानू पता फिर बड़ा बड़ा कुछ आख लीदा है, तो बड़े बड़े नारा और बड़ा कुछ हो सकता है। मैं उन्होंने सवालों के जवाब दिया ना जिमें मुनाजराना तरीके देना चाहिए है। जे मौलवी अगों सौं जाए तो मैं मिंबर पर आना छड़ दिया जी, नींद हराम हो जाए अगर उन्हें सवालों के जवाबात मुनाजरे नाल दिते जा। लेकिन मेरा नींद हराम करन दा प्रोग्राम नहीं, मैं समझना असी भी आराम नाल सोईए ते मौलवी साहब भी आराम नाल सौं। पहली गल कीती ने कि मजहब शिया अब्दुल्ला इबन सबा यहूदी की ईजाद है। पांच गल्लां उन्हें कीतियां ने, मैं जिन्हें मुमकिन हो सकियां थोड़े वक्त पेश कर दें। की फरमाया ने, मजहब शिया अब्दुल्ला इबन सबा यहूदी की ईजाद है। उन्हें यह मजहब शिया नूं तरवीज किया है, उन्हें मजहब शिया की बुनियाद रखी है, यदि बुनियाद मजहब शिया की रखने वाला एक यहूदी है अब्दुल्ला इबन सबा है। पहली गल तो किबला ये कि जेड़े मेहरबान ने इस किस्म की गल की है, यह यकीनी गल है कि मुतालिया उहदा घट है। अगर उहदा मुतालिया हो तो इस वेले पूरी दुनिया के मजहब अहले सुन्नत के सब तो बड़े स्कॉलर मिस्र के डॉक्टर ताहा हुसैन ने अपनी किताब फितनतुल कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 134 ते लिखा है कि उमवी और अब्बासी खुलाफा के दौरे हकूमत में शिया फिरका के दुश्मनों ने अब्दुल्ला इब्न सबा के मन घड़त किस्से को, मैं दोबारा उसकी तहरीर पढ़ देना, फरमाते हैं कि उमवी और अब्बासी खुलाफा के दौरे हकूमत में शिया फिरका के दुश्मनों ने अब्दुल्ला बिन सबा के मन घड़त किस्से में इसलिए मुबालगा किया कि वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके गुर्रों की तरफ मंसूब किए गए इतराजात को मशकूक बना सके, और दूसरी तरफ हजरत अली और उनके शियों पर तानो तशनी कर सकें। ये अब्दुल्ला इब्ने सबा वाला मन घड़त किस्सा है, इसमें हकीकत का कोई ताल्लुक है ही नहीं। पहली गलत यह है, ये जनाब तय हो गई गल कि एक स्कॉलर अहल सुन्नत ने दसाया कि यह मन घड़त किस्सा है, यदा वजूद कोई नहीं। हाँ अलबत्ता यह बड़ी पुरानी किताब मेरे को मौजूद है, खिलाफत मलूकियत, कुछ दो थाने का मुताला किया भी होगा, यह सैयद अबू अला मौदूदी ने लिखी है जमात इस्लामी तबानी ने, उन्हें सफा नंबर 210 से शिया दिया पांच सिफत लिखिया ने,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾ ਸਭਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਯਦ ਅਬੂ ਰੌਲਾ ਮਦੂਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਲਮ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਕਾ ਯੇ ਗਰੋਹ, ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਕਾ ਯੇ ਗਰੋਹ, ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਕਾ ਯੇ ਗਰੋਹ, ਇਬਤਦਾ ਮੇਂ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਲੀ ਕਹਿਲਾਤਾ ਥਾ, ਇਬਤਦਾ ਮੇਂ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੇ ਅਲੀ ਕੇ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਲੀ ਕਹਿਲਾਤੇ ਥੇ, ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਇਸਤਲਾਹਨ ਇਨਹੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਆ ਕਹਾ ਜਾਣੇ ਲਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੀਆ ਸਨ, ਦਰਅਸਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੈਯਦ ਅਬੂ ਰੌਲਾ ਮਦੂਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਸਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਔਰ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਸੁੰਨੀ ਬਰੇਲਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲੀ ਦਿਆਂ ਹਾਮੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਬੂਤ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਇਨ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਸਫ਼ੋਂ ਕੋ ਮੁਜਤਮੇ ਕਰ ਦਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਨਕੀ ਸਫ਼ੋਂ ਮੇਂ ਜੋ ਇਜਤਮਾਈਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਇਨਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਕਾ ਯੇ ਗਿਰੋਹ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਅਲੀ ਕਹਿਲਾਤਾ ਥਾ, ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਸ਼ੀਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਨਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੇਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀ, ਔਰ ਇਨਕੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਕੋ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੀ। ਇਲਾਵਾ ਬਰੀ ਬਨੂ ਉਮੱਈਆ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੇ ਤਰਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੇਂ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੀ, ਔਰ ਉਮਵੀ ਓ ਅਬਾਸੀ ਦੌਰ ਮੇਂ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਔਰ ਉਨਕੇ ਹਾਮੀਓ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਓ ਸਿਤਮ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇਂ ਜੋ ਹਮਦਰਦੀ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹੇ ਸ਼ੀਅਤ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖੀ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸ਼ੀਅਤ ਦਾਵਤ ਕੋ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੂਮੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ ਦੀ। ਕੂਫਾ ਇਨ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਲਾ ਥਾ, ਇਨਕੇ ਮਖਸੂਸ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਯੇ ਥੇ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਯਹੂਦੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਓ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਾਮਤ ਮਸਾਲੇ ਆਮਾ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਮਤ ਪਰ ਉਸਕਾ ਇੰਤਖਾਬ ਛੋੜਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਾਮ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਨਬੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇ ਕਿ ਇਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਾਮਤ ਆਮ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਇੰਤਖਾਬ ਕਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਾਮਤ ਰਾਏ ਆਮਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਮਾਮਤ ਇਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਾਮ ਉਸੇ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਨਬੀ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਾਮ ਕੋ ਹਰ ਬੜੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਸੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਾਮ ਕੋ ਹਰ ਬੜੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਗੁਨਾਹ ਸੇ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਔਰ ਹਰ ਕੌਲੋ ਫੇਲ ਉਸਕਾ ਬਰਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਾਮ ਉਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਹਰ ਕੌਲੋ ਫੇਲ ਬਰਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਿਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਵੋ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਨ ਕੋ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਆ ਥਾ,
और वो बरबर बनाए ना सही इमाम है। बर बिनाए नस इमाम है, यानी कुरान हकीम की आयत के तहत मुहम्मद ने उन्होंने मुंतखब फरमाया। नबी भी अपने को ऐलान नहीं किया बल्कि अल्लाह के कहने से इमामत का ऐलान किया। चौथे शिकू लिखते हैं अज की मजलिस इस तरह ही समझो जिमें बैठक च बह के गल करी दी। चौथी गल फरमाते हैं इनके नजदीक चौथा अकीदा यह है कि हर इमाम के बाद नया इमाम लाजमन अपने से पहले इमाम की नस पर मुकर्रर होगा। क्या बात है, अगले इमाम वास्ते भी इंतखाब नहीं। इनके नजदीक हर दूसरा इमाम पहले इमाम की नस पर मुकर्रर होगा, क्योंकि इसका मनसब का तकर्रर उम्मत के सुपुर्द किया ही नहीं गया। क्या बात है, इस मनसब का तकर्रर उम्मत के सुपुर्द किया ही नहीं गया कि मुसलमानों के मुंतखब करने से कोई शख्स इमाम बन जाए, ये शियों में जायज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आबाद हो शादर। और पंजवीं सिख और आखिरी ये लिखते ने सदके जाऊं पंजवीं सिख के नाल हवाले बड़े दिते ने मौदूदी ने। फरमाते हैं शियों के तमाम ग्रोहों के दरमियान, शियों के तमाम ग्रोहों के दरमियान, मदूदी बड़ा सियाना सा जी, उन्हें पता सी बिच भी ग्रोह बंदी है, आंदा शियों के तमाम ग्रोहों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है, तमाम ग्रोहों के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि इमामत सिर्फ औलादे अली का हक है। आबाद हो शादर। शियत है ये जनाब, शियत है इदा किधरे अब्दुल्ला इब्ने सबा यहूदी ने कोई ताल्लुक निकले नहीं, वो बंदा अनपढ़ है जिसे गल की। दूसरी गल मैं कर रहा हूं तोहफा असना अशरिया, ये बड़ी मारूफ किताब है साढ़े अहले सुन्नत वाल जमात दोस्तों की। तोहफा असना अशरिया उर्दू सफा 53 यानी 53 मतबूआ दर अशात कराची, उर्दू छपी है कोई रौला नहीं, कराची मिल जाएगी। उन्होंने फरमाया सबसे पहले शिया के लकब से महाजरों अंसार मुलकब हुए, सबसे पहले शिया लकब या महाजरों ने इस्तेमाल किया या अंसार ने इस्तेमाल किया। ये महाजर इंडिया दे नहीं, ते अंसार टैक्सले दे नहीं, ये महाजर ने मक्के दे, अंसार ने मदीने दे, मदीने वाले भी सहाबी, मक्के वाले भी सहाबी, ये महाजरों अंसार ने पहला लकब इस्तेमाल किया सब तो शिया। अहले सुन्नत की किताब कदों वो फरमाते हैं जो हर पहलू से, जो हर पहलू से, एक एक लफ्ज को बड़ा बड़ा कीमती है, जो हर वो महाजरों इंसार केड़े जो हर पहलू से हजरत अली की पैरवी में सरगर्म रहते थे, हर पहलू से हजरत अली की पैरवी में सरगर्म रहते थे, और खिलाफत के वक्त आपके रफीके सोहबत रहे, आपके मुखालिफीन से लड़ते रहे, अली की इत्तबा करते रहे, अली के मुखालिफों से लड़ते रहे, और आपके अवामर और नवाही को तस्लीम करते रहे, जो अली ने कहा उसे अमर तस्लीम करते रहे, जहां से अली ने रोका उन्हें नहीं तस्लीम करते रहे। दरअसल यही हजरात असल मुखलेसीन शिया हैं जो अली की हमायत में जान दे के चले गए। ठीक है जनाब, हजरत अली दिया हामिया नू, हजरत अली दिया शिया नू, हजरत अली दे इत्तबाह करने वालों शिया क्या जाने,
एम ए दी नसाब की किताब का हवाला मैं शाह जी अगे दे चुका। वो एक लफज मैं नौजवानों वास्ते दोबारा पढ़ते हाँ, वो मैं फोटो सिर करा के कोल रखी है, जी इस वेले इस्लाम याद पढ़ाई जा रही है एम ए विच। ए डोगर वालिया गाइड छापी है, वह सफ़ा मेरे को मौजूद है। इन्हों में फिरका असना अशरिया के मुतलिक लिखा, दौरे हाजिर में अहल तशैयो की अक्सरियत इसी फिरका से ताल्लुक रखती है और 12 इमामों को मानने की वजह से इन्हें असना अशरी कहते हैं। और कमाल एवे के इन्हें हजरत अली तो लैके मादी तक नाम लिखे ने, हजरत अली, हसन, हुसैन, ज़ैनुल आबदीन, मोहम्मद बाकर, जाफर सादक, मूसा काजम लिखे सारे रहमतुल्ला ने, अलैह सलाम नहीं लिखे, लेकिन लिखे यही ने अली रजा, मोहम्मद जवाद, अली हादी, हसन अस्करी, मोहम्मद मादी, ये इनके 12 इमाम हैं। इनका ख्याल है कि मासूम वो होता है जो हर भूल चूक से पाक हो, और जो कभी भी भूल जाए शिया उसे इमाम नहीं मानता। ये साडा मजहब है जनाब, ए खलूफ खिलाफ तो मुलुकियत चो, ए तोहफा सनाशरिया चो, तो मौजूदा दौर की एम ए की गायदी चो। हूँ मेरा दिल करता है कुरान की आयत भी पढ़िए, मजलिस भी मुकम्मल हो। कुरान पाक की आयत हकीमा पढ़ देना, खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती उलाइका हुम खैरुल बरिया। तर्जमा सुन लेना, सूरह मुबारक बनिया 3 पारा, खालिक फरमाता है, हबीब वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, वही बेहतरीन खल्क हैं, मेरी मखलूक में से बेहतरीन खल्क वो लोग हैं, यानी खैरुल बरिया, मेरी मखलूक में से बेहतरीन लोग वो हैं। कौन? जो ईमान लाए और अमल साले की, जजाऊ हम इंदा रब हिम जन्नत आदने, अल्लाह के नजदीक उनका मुकाम जन्नत है। अच्छा, ताजरी मिन तहत हल अनहारू, जिसमें नहरें बह रही हैं, खालदीन फीहा, ये हमेशा उस जन्नत में रहेंगे, आबादन अबद तक, रजी अल्लाह अनहुम, अल्लाह उन पर राजी हो गया है, और वो वरजू अनहु, और वो उस पर राजी हो गए हैं। अल्लाह फरमाता है, जालिका लिमन खाशिया रब्बहू, ये बात हम उनके लिए करते हैं जेड़े कुछ रब से डरते हैं। एक जमात ऐसी है जो पूरी कायनात की मखलूक में खैरुल बरिया है, बेहतरीन जमात है। किताबा मैं रखियां कोल कदी नहीं, तुसा मैंने इस पास पा दिता है, लेकिन मैं नौजवानों वास्ते कुछ बेनत की। ऐ मेरे को तफसीर दुर्रे मंसूर है, इमाम जलालुद्दीन अब्दुल रहमान बिन अबी बकर सियूती, तर्जमा और मतन ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी। इस आयत मजीदा ते जदों आए ने ते फरमांदे ने कि एक दिन हजरत आयशा ने रसूल खुदा को पूछया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में मखलूक में से सबसे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कौन है? क्या बात है जनाब, हजरत आयशा ने रसूल अल्लाह से पूछा कि अल्लाह की मखलूक में सबसे मुअज्जज और मोहतरम। हजरत आयशा ने पूछा तां चुप कर, हजरत उम्मुल मोमिनीन पे पूछते ने भाई, उन्होंने बीवी भी सन तो नाले उन्होंने नबी भी सन, पूछ सकते सन। उन्हें कहा जिनी मखलूक जम के फिरती है पई, इन चो मुअज्जज ते मोहतरम केड़े बंदे ने? तो वह फरमाते ने हजूर ने हजरत आयशा से फरमाया, ए आयशा, क्या तूने वो आयत नहीं पढ़ी, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाती उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि अल्लाह फरमाता जो ईमान लाए और नेक काम किए और वही बेहतरीन उम्मत में से हैं, बेहतरीन खलक में से हैं। इहदा मतलब है हजरत आयशा नू हजूर ने इशारा इस आयत वल कीता ते हुण इहना आखीर कर छड़िए। इरशाद फरमांदे ने, रवायत की हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने कि हम हजूर की खिदमत में बैठे हुए थे और इसी आयत के मुतल्लिक तबसरा हो रहा था कि वो बंदे कौन हैं जो अल्लाह की नजर में मोहतरम भी हैं और मुअज्जज भी हैं
और वही हमेशा जन्नत में रहने वाले हैं और उनका जवाब ही मखलूक में कोई नहीं। फकबला अली इब्ने अबी तालिब, तो दरवाजे पे अली का कदम आया, मोहम्मद ने इशारा करके कहा, याद रखो जिन लोगों के मुतल्लिक अल्लाह ने खैरुल बरिया कहा है, इमाम उनका अली होगा, मजहब उनका शिया होगा। तवज्जो है जनाब, मैं जवाब एडे आसन तरीके दिते नहीं जाते, जवाबों से किबला कई गल्लां निकल जांदियां, लेकिन मेरा कोई प्रोग्राम नहीं, मैं टेबल टॉक की तरह जवाब दे रहा, किसी बंदे नूं गुस्सा ना लगे। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, फिर हजरत इब्ने अब्बास तो रवायत के जब ये आयत नाजिल हुई, कौन सी, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती उलाइका हुम खैरुल बरिया, तो रसूलुल्लाह ने हजरत अली को फरमाया कि इनसे मुराद तू है और तेरा गिरोह है, इससे मुराद या तू है या तेरा गिरोह है। अगली गल कोई कमाल है, वो फरमाते हैं जब से हजूर ने ये फरमाया था, जब कभी हजरत अली सहाबा के पास आते थे तो सहाबी कहते थे जा खैरुल बरिया, वो आ गया है जिसके मानने वाले ही जन्नत में जाएंगे। ये जनाबे मजहब शिया। दूसरी गल उन्होंने इरशाद फरमाई है, साढ़े बारह के करीब कितना को पढ़ना, पंद्रह को मिनट और पढ़ लेना, भी मिनट तो बाकी तो फिर हैं जी, किस तरह जवाब दे लेंगे ना, जरूरी तो ना हम सारे मल साहब बैठे ने किला तशरीफ लाया, तो मैं हूँ शुरू कर दिया, तुम्हें पता है भी ये जवाब देंद मौली ताजदीन साहब ढाई ढाई घंटे पढ़ देते, वो उन्हें ना काम बने पे अगो मैंने सदा ही कोई ना, तो ये नवा काम मैं शुरू कर दिता, मैं हूँ जो हुक्म होया वो पूरा कर देना, एक अद्धी गल कर दें। एक वो फरमाते ने क्या बात है, फरमाते कि नखे ने आते ने पिछिया में झूठ जायज है, उन्होंने तकिया आते, तो अगर ये तकिया जायज सी तदरत इमाम हुसैन कर लेंगे, एडा जाहिल बंदा इस इलाके होर पैदा कोई नहीं हो सकता, जिन्हें गल की कि इमाम हुसैन तकिया कर लेंगे, ना उन्होंने तकिए का मना आता है, ना उन्होंने तकिए की तशरीह आती है, और अफसोस की गल ये कि इन्हें दर्श चलाने वाला बंदा मैं सोचना वो दर्श की होगा जिन्हों का यह सरबरा है, इन इन्नी होश नहीं पे तकिए का कितने मौका होंगे, तो तकिया आँदे कि तकिया एक ऐसी चीज़ है कि हक न बचाने वास्ते, सच के तहफुज वास्ते कितने ऐसी शह ते खामोश हो जाना जिदे बयान करने नाल नुकसान हो जाए, हक और सच नूं बचाण वास्ते कितने ऐसी शह ते खामोशी इख्तियार कर जाना, या उदे ते अमल पैरा ना होना जिहड़ी हुंदी ठीक है उत्थे खामोश रहना ताकि हक और सच नूं नुकसान ना पहुंचे, इहदा नां तकिया है। इहनूं मैं किसे शिया किताब चो नहीं, मैं कुरान चो पेश करना, खान के कायनात ने सूरह मुबारका मोमिन, अल्लाह ने इनू सूरह मोमिन च बयान किया है, तकिए दा तालक मुनाफका नाल नहीं मोमना नाल, और खालिक फरमांदा है वकाल फिरआउन जरूरी अक्तुल मूसा, शोर बरपा कर दिता फिरआउन ने, मुझे छोड़ दो मैं मूसा को कत्ल कर दूंगा, तेनू फड़िया कैसे, 70,000 बच्चा तो तू मावा दिया गोदा चो कढ़ के कतल कर दिता, मैनू छड़ दे, मैं मूसा नू नहीं छड़ना। फिरौन इंज दे ही हुंदे ने, ना मारन जोगे हुंदे ने, ना इन्हां कोलो नबी मरदा, एवें ही गलियां च रौला पा देना, मैनू छड़ दे, मैं मूसा नू मार देना, मैं मूसा नू मार देना। अल्लाह फरमांदा ए ही फिरौन है जिस नबी दे कतल दा इरादा कीता, कतल होया भावे नहीं होया इरादा दे कीता, सुना जड़ा नबी दे कतल दी नीयत करे ओ फिरौन है, बोलो क्या फिरौन ने मूसा नू कतल कीता, नहीं कर सकया भी नहीं, एवें रौला पाता मैं कर देना,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਥਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਥਿਆ ਮੈਂ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ। ਆਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਿਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਾਲ ਰਜੁਲ ਮੋਮਿਨ ਇੱਕ ਉਨ ਮੇ ਮਰਦ ਮੋਮਿਨ ਥਾ, ਉਨ ਮੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਔਰ ਮਿਨ ਆਲ ਫਿਰਾਉਨ ਔਰ ਥਾ ਫਿਰਾਉਨ ਕੀ ਆਲ ਸੇ, ਫਿਰਾਉਨ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੇ ਮੋਮਿਨ, ਫਿਰਾਉਨ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਯਕ ਤੂ ਮੂ ਈਮਾਨ ਹੂ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਕੋ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਥਾ। ਸਰ ਉਠਾਓ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਕੋ ਛੁਪਾਏ ਹੋਏ ਥਾ। ਹੈ ਸੀ ਮੋਮਿਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ ਮੋਮਿਨ ਬੜੇ ਜੈ ਬੰਦੇ ਮੋਮਿਨ ਜੇ, ਓਏ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜੇ ਜੈ ਬੰਦੇ ਮੋਮਿਨ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਿਨ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਤੂਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸਰ ਉਠਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਛੁਪਾਏ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਈਮਾਨ ਦਾ ਅਜ਼ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਕੋ ਛੁਪਾਏ ਹੋਵੇ ਥਾ। ਤੋ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਤੁਲੂਨਾ ਰਜੁਲਨ ਅਈ ਯਕੂਲਾ ਰੱਬੀ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਤੁਮ ਕੈਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਤੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਕਈਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋਮਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਸੂਰਹ ਕਸਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਫਿਰਾਉਨ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਹਰਮਨਾ ਅਲੈਹਿਲ ਮਰਾਜ਼, ਹਮਨੇ ਤਮਾਮ ਦਾਈਓ ਕਾ ਦੂਧ ਮੂਸਾ ਪਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹਮਨੇ ਤਮਾਮ ਦਾਈਓ ਕਾ ਦੂਧ ਮੂਸਾ ਪਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਸ਼ਾਇ ਖਾਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜੀਦਾ, ਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀਆਂ। ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਿਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਾ ਹਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮਰਾਜ਼ਿਆ, ਹਮਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿਆ ਮੂਸਾ ਪਰ ਤਮਾਮ ਦਾਈਓ ਕਾ ਦੂਧ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸਮਝਦਾ ਹਲਾਲ ਕਿਆ ਹੈ ਹਰਾਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਲਸੂਮ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰੇ ਫਿਰਾਉਣ ਦਿਆਂ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਸਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਅਜੋ ਫਰਮਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕੀਆ ਪਿਆ ਪੜਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਸਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਆਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਫਕਾਲਤ, ਤੋ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਮੂਸਾ ਕੀ ਬਹਿਨ ਨੇ, ਹਲ ਅਦੁੱਲੁਕੁਮ ਅਲਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤਨ ਯਕਫੁਲੂਨਹੂ, ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਬਤਾਊਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਬਤਾਊਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਕੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰੇਂਗੇ। ਲਕੁਮ ਲਕੁਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਰਾ ਤਕੀਆ ਕਿਬਲਾ, ਬੜੇ ਬਾਰੀਕ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਯਕਫੁਲੂਨਹੂ, ਵੋ ਇਸ ਕੋ ਪਾਲੇਂਗੇ, ਵੋ ਇਸ ਕੋ ਪਾਲੇਂਗੇ, ਲਕੁਮ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ, ਸਰ ਉਠਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੋ ਇਸ ਕੋ ਪਾਲੇਂਗੇ ਤੁਮਹਾਰੇ ਲੀਏ। ਅੱਛਾ, ਵਹੁਮ ਲਹੂ ਨਾਸਿਹੂਨ, ਔਰ ਵੋ ਇਸ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖੈਰ ਖਾਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਦਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਦਾਈ ਜਿਸ ਅੰਮਾ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੁਜਰਿਮ ਹਾਂ, ਇਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਦਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜਲਦੀ ਆ, ਖਾਲਿਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ,
तेरे को उस जुदा होना नहीं। आ देवबंदियां दा कुरान मेरे कोले, हुण सोच मौलवी तेरी बला जाने तकिया किनू आंदे ने। वह फरमाते हैं जब हजरत मूसा की वालदा पहुंची तो उनने उनके हवाले कर दिया और कहा कि इसको पाल दो, हम तुम्हें एक दिनार रोज दिया करेंगे, एक दिनार रोजाना मजदूरी ते दूध पिला रही है मां सगे बेटे नू। हुण मौलवी रख सिर ते कुरान है, सादिक दा मजहब है, इहदा कज़ाबा नाल ताल्लुक कोई नहीं। ये मजदूर बन के दुनिया ते वो मां दस जिहड़ी अपने पुत्र नू दूध पिलावे ते मजदूरी किसे कोलो लवे, मां बन के पिला रही है या मजदूर बन के? मजदूर बन के है, मां बड़ी मजदूर है। ओए दस दे क्यों नहीं है मेरा बेटा है, इनू झूठ नहीं आते मजहब शिया तक ही आते ने। मौला तुहानू आबाद शादा दे, एक सबूत और दे देना फिर इजाजत ले लेना। बाकी फिर ए कुरान है, सूरह मुबारक एनाफाल है, खार के कायनात इशाद फरमदा इस यम कुरु बिकल लजीना काफर, जब काफिर मकर कर रहे थे, एदा असली तर्जमा तदबीर कर रहे थे काफिर, क्या ली युस्बितू का तुझे कैद कर दें, आओ यक्तुलू का तुझे कत्ल कर दें, आओ युहरिजू का या तुझे शहर से निकाल दें। व यम कुरूना व यम कुरुल्ला वल्लाह खैरुल माकिरीन, वो तदबीरें कर रहे थे कि हम कत्ल कर देंगे या शहर से निकाल देंगे या बंद कर देंगे, उधर अल्लाह तदबीर कर रहा था कि हम तुझे बचा भी लेंगे, अमन में भी ले जाएंगे। ये हिजरत का वाक्य है, ये कुरान है। उन्हां दी की स्कीम है? पिछड़ना नहीं। अल्लाह का की प्रोग्राम है? बचाने। ये अल्लाह ने बचाने वास्ते हजरत अली नू आख्या तू लेट जा, हजूर नू फरमाया हजरत अबू बकर नू नाल लै जाओ। अगो मुसीबत है वे, जिहड़ी गल जी मैं पढ़ी है मैं तो ओही पढ़नी है, मैं तो इंज ही पढ़ी है जिमें मैं पढ़ी है, मैं बयान कर रहा, मैं किसी तरदीद नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया तो नबी ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत अली नू आख्या तुसी मेरे बिस्तर ते लेट जाओ, तो हजरत अबू बकर नू आख्या तू मेरे नाल चलना है। ना धक्के नाल वो लेटे ने, आवाज आ रही है, ना धक्के नाल अली लेटे ने ते ना धक्के नाल वो गए ने। अल्लाह की तदबीर सी, अली तुर जा ता भी तू नहीं बचता, ए रह जा ता भी तू नहीं बचता। ये तदबीर खुदाबंदी सी कि अगर अली मक्के चो निकल जान ता भी तुहाडी जान नू खतरा है, बोलो, ते जे ए रह जान ता भी तुहाडी जान नू खतरा है, उन्हां नू लै के नहीं जाना। क्या बात है, उन्हां नू लै के नहीं जाना ते इस हजरत साहब नू छड़ के नहीं जाना। हुण तुसां तवज्जो रखनी है, मैं उस मौलवी नू पुछना जिस मजहबे शिया ते झूठ आख के बंदियां कोलों नारे मरवाए ने, ईमान नाल दस खां ए अल्लाह दा पैगंबर ते हजरत अबू बकर ए गार दे अंदर मौजूद सन, वह जिहड़ा मकड़ी बार जाला ताणे आ ते कबूतरी अंडे दिते ने, अल्लाह दसना की चाहुंदा है? क्या बात है, सर उठाओ, जीप जाला ताणिया या नहीं ताणिया, कबूतरी अंडे दिते ने कि नहीं? एदा मतलब की सी कि इत्थे देर हो गई है, ना कोई आया ते ना कोई गया, हालांकि वह विच बैठे ने। अच्छा वह विच बैठे ने ते अल्लाह केड़ा कम कीता है? अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह किसे कोलों माड़ा है? अल्लाह डरदा सी काफरां कोलों? नबी खलो के बाहर पहाड़ते खलो के आंदे की जे, नबी अंदर है अल्लाह परदे पे बंद है, अल्लाह दस रहा पी इथे कोई नहीं। सर उठाओ यार, और मजहब हक ते बंदे हो, सिर चुक के जियो। कबूतरी अंडे दिते पी इहदे च ना कोई आया ना गया, जाले दा मतलब ए हुंदा है। एक कोठी इथे
दीने ए नाल की हडाला कुरेशिया के हडाली उत्थे मजलिस ते मैं साल बाद आना वाशरूम च जाना पहला जाला अखा च पैंदा वो समझ आ जाती है पे जी सारे बाहर होंदे ने जिन्हां दे सारे जी बाहर होण बाथरूम च जाला ते होंदा ना ये जाले का मतलब ही है वे भी ना कोई आया तो ना कोई गया एदा मतलब है निकलिया कि अल्लाह ये जाला भी अल्लाह तनवाया ही कबूतरी नूं अंडे देण दा हुक्म भी अल्लाह दिता है हुण दस नबी पाक जो अंदर ने आ जिहड़ा काफरां नूं भुलेखा पिया पांदा है कौन है ओए होए हदम हो गई कैसे काम किया है अल्लाह ने एक नौज बिल्ला फिर काफरां नाल धोखा होया ना बोलो 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 बिल्कुल नहीं अल्लाह ना धोखे करता है ना धोखे नूं पसंद करता है ओए जाफर सादिक दे मज़हब च आ जा तकीए दा कायल होवेगा तो उहदी वहदानियत बचेगी होए होए नहीं स्वाद कोई नहीं पाउंदा स्पीकर दी वजह तो मैं हुण कोशिश करना है गल अगली पहुंचे नकूश एक रिसाला छपया सी अहले सुन्नत दा की ना जी नकूश उहदा नौ नंबर है रसूल नंबर मेरी लाइब्रेरी च मौजूद है उहदे विच हज़रत अबू बकर जदों निकल गए ना नबी पाक नाल ते वालद गिरामी हज़रत अबू बकर दे आए उन्हें आख्या कित्थे गया जे परेशान हो गया और यार प्यो पुछदे नहीं मुंडे ने मतलब कित्थे गया 83 साल उस बाबे दी उम्र सी दो बेटियां सन हज़रत आयशा ते हज़रत असमा उस रात नूं घर उस पोतरियां नूं पुछया भी अबू बकर कित्थे गया जी उस बीबी आख्या बाबा पता नहीं ते पता उहनूं है सी ओए होए तुसां गौर नहीं फरमाया सर उठाओ मेरे नाल हो सका पता नहीं पता है सी उस आख्या अंदर पैसे पै सन किसे पैसे तो नहीं लै गया उस आख्या पैसे अंदर पै सन वो 5000 रुपया वो कित्थे वे हजरत समा बिनते अभी बकर आख्या पैसे घरे ही ने वो बाबे हरी नबीने सन उस आख्या वह हाँ मैनू कित्थे ने वो अलमारी खोल के वो जेड़ी गुथली विच पैसे होंदे सन उस गुथली विच पत्थर पा के ते हजरत असमा बिनते अभी बकर ने आख्या बाबा जी तोलो आ ही जना पैसे वो बाबे हरी भी एडे सियाने सन उन्हें हाथ मारिया उन्हें कहा ठीक है पैसे इत्थे ही ने हुण दस गा मौलवी हजरत अबू बकर की बेटी दादे नाल झूठ भी बोलती है कि सच पई बोलती क्या बात है चलो मैं बाकी मदम साहब नहीं पढ़ता छड़ना ये दादे नूं भी आंदी है पैसे इत्थे ही ने ते पैसों दे थां हैं पत्थर बाबा मुतमिन हो गया उचरन अबू जेल आ गया सवेरे लिखे नकूशे च उस हजरत असमा नूं पुछया दस प्यो कित्थे गया ही उस आख्या मैनूं कोई नहीं पता पता उहनूं है सी अबू जेल ने चपेड़ मारी असमा बिनते अभी बकर दे मुतलक लिखदे ने उहदी वाली थले डिग पई लै के इस धी हजरत अबू बकर दी दस मौलवी सारी रात झूठ बोलती रही है या तकिया करती रही है ओए अबा तो शाद रहो इहदा मतलब है नबी दा पर्दा रखण वास्ते सारी रात इस बीबी ने पर्दा पाया और पर्दा ही हक सी जे दस छड़दी ना उधर गया जे तू ही आखना सी निकली किवें दीए इहदा मतलब है तेनू मनना पएगा या झूठ दा इल्जाम दे या मज़हब अहले बैत विच आ के सहाबी दी बेटी दी इज्जत बचा ऐसा मौकियां ते तकिया हुंदा जदों कोई बैत मंगे उदों तकिया नहीं हुंदा आखरी गल करां अगे इरशाद फरमाया ने शीयां नूं खुरेका दा गुस्सा चढ़ गया हज़रत अली ने पहले खलीफे की बैत भी की सी ते नमाज भी उन्होंने मगर पढ़ी सी ठीक है चलो हुण बड़ियां किताबां चुकन की लोड़ नहीं रही
ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਹਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਅਕੀਮ ਰਵਾਇਤ ਕਰਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਹੈ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਹਾ ਇਲਾ ਫੀ ਅਲੀਨ ਸਲਾਸਤ ਅਸ਼ਿਆ ਲੈਲਤੁਲ ਅਸਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰੇ ਵਹੀਆਂ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਿਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤੀ ਤਰੇ ਵਹੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅੰਨਹੂ ਸੈਯਦ ਅਲ ਮੋਮਿਨੀਨਾ, ਅਲੀ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਯਦ ਹੈ, ਵਾ ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਤਕੀਨਾ ਤੇ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਵਾ ਕਾਇਦ ਅਲ ਗੁਰ ਅਲ ਮੁਹਾਜਲੀਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਖਸੂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਬੀ ਦੱਸਿਆ ਅਲੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਉਲ ਮੁਰਸਲੀਨ। ਉਹ ਸੈਯਦ ਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈਤ ਕੈਸੇ ਕਰਦੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅਲੀ ਹੈ ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਤਕੀ, ਇਮਾਮ ਅਲ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋ ਜੇ ਦੀਨੇ ਵਾਲੇ, ਇਮਾਮ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ? ਪਿੱਛੇ, ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ? ਮੁਤਕੀਆਂ ਦੇ। ਮੁਤਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਵੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਬਾਦ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਤਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਵੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਦੀ, ਸੈਫ ਉਲ ਜਲੀ ਅਲਾ ਮੁਨਕਰੇ ਵਿਲਾਇਤ ਅਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ 50 ਤੇ 1 43 ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, 51 ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਯਾ ਯੂਹਰ ਰਸੂਲ ਬੱਲਿਗ ਮਾ ਆਈਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਈਏ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਮਨ ਕੌਣ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਹੋ, ਬਹਾਦਾ ਅਲੀ ਉਨ ਮੌਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤ ਉਤਰੀ ਅਲ ਯੌਮਾ ਅਕਮਲ ਤੋਂ। ਇਹ 51 ਹਵਾਲੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਵਾਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇ, ਗਵਾਹ ਤੇ 4 ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹਵਾਲੇ? 51। ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇ ਹਾਂ, 51 ਹਵਾਲੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕੁਨ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਹੋ ਬਹਾਦਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੁਹਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਬਲਾ, ਮਜਲਿਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਮਜਲਿਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੋ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 51 ਹਵਾਲੇ ਹਲੇ ਸੁਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕੌਣ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਹੋ ਫਹਾਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੋਲੋ? ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕੌਣ ਤੋਂ ਮੌਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ। ਫਹਾਦਾ ਅਲੀ ਉਨ ਮੌਲਾ, ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮੌਲਾ, ਉਹਦਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਗੁੱਸਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰ ਉਠਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਬੀ ਮਗਰ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਜੇ
جڑے محمد نو اگے نہیں مانتے وہ علی نو اگے کیسے مان جائیں؟ میں بڑے آسان طریقے نال گل دسی، کیونکہ اہل سنت دے مذہب وچ نماز پڑھا سکتا صحابی نبی نو، تے پھر اگر علی دا بھی کہہ دیں گے تے غصے والی گل تے نہیں نا. لیکن میں اپنا مذہب بیان کرنا، کوئی میں مناظرہ، کوئی پیڑی گل، کسے نو کتا پلا، توبہ توبہ. آخری گل کر رہے ہاں، اس علی دے یارویں پتر دے اگے نبی نہیں کھلوندے. خدا دی قسم رکھو علماء دے سر تے قرآن کہ حضرت مہدی علی دے بیٹے ہیں کہ نہیں، مولا دے نائب ہیں کہ نہیں. آ جڑے تو ایم اے دی نصاب وچ 12 لکھے نے، پہلا علی ہے تے 12واں مہدی ہے. صدقے تیری عزتوں مہدی پڑھاندے ہون، علی آ جان آکھن گے نا مہدی کہ بابا اگے آؤ، میں تے تہاڈی اولاد ہاں. ایمان نال فرما، جدے یارویں پتر اگے نبی نہیں کھلوندے. ہائے ہائے، اس علی اگے صحابی کیسے کھڑے ہو جان گے؟ میں تے حیران ہاں کس کس انداز نال گلاں کیتیاں نے. حضرت عیسیٰ دی نماز کو تھوڑی ہے، اے دو رکتاں نماز حضرت عیسیٰ پیچھے پڑھنی ہے. ماں بھی معصوم ہے، آپ بھی معصوم ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اول العظم بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے. پرندے مٹی دے بنا کے پوجدا نہیں، مٹی دے پرندے بنا کے وچ روح پھونک دیندا ہے. کوڑیاں نو شفا دین والا، مردیاں نو زندہ کرن والا، اوے معجز نما نبی پیچھے تے مہدی اگے. اس پیچھے کھلونا ہی تاکہ سب تو پہلا کم اس دنیا وچ اے کیتا جائے کہ دسیا جائے اسی ہو رہا، اے محمد دی نسل آ رہے. اور قبلہ حضرت مہدی نے اے دنیا بھر دینی ہے عدل نال. بولو آخری گل ہے، مصاحب نہیں پڑھ رہا، بھر دینی ہے عدل نال. کنا عدل ہوے گا؟ جنہ ظلم ہوے گا، جنہ ظلم ہوے گا. حضرت مہدی نے سب تو پہلا جڑا ظلم ختم کرنا ہے، وہ ظلم ہے وے کہ بندیاں دے سامنے نماز پڑھانی ہے نبی نو. کیا بات ہے، آپ اگے کھلو رہے ہیں تو نبی پیچھے کھلونے، اے دا مطلب ہے اللہ دے نزدیک سب تو بڑا ظلم ہی ہے وے کہ آل محمد پیچھے ہو جان تے دوجے بندے اگے. نماز